اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم بیدی کو بند کرو من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ڈبلنگ بھی بند کر رہے جی ووزعنا عنک وزرک الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيدي کو بند کر کو نہیں بند کر انہوں نے پتہ لگا اوتی تو جوامی الکلم ونصرت بالروب وأهلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أوتيت الشفاعة جدے اتے حضوری دی مور ہووے جدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا سندا روے ارشان دا جج تینوں یوسف پسروری ای ہو جئی رٹ ہو جا بن کے توڑ مدینے دے رستے آن دی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا بات تے مور نہیں لبی دی اس بات ایٹ کوئی نہیں ہیڈ آف مکہ مدینہ ہور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہانی اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سامعین محترم ہما قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک الالام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیئن قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا
और कयामत दे दिन सत्ते जमीना सत्ते आसमान अपनी उंगल ते या हाथ ते लपेट के 40 साल तक कहेगा लिमानिल मुल्कुल यौम, आज बादशाही किदी है, फिर खुद ही कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, उस अकेले हुक्मरान दी हुक्मरानी है। दुरूदो सलाम इमामुल हरमैन सैयदुस सकलैन इमामुल मुरसलीन रहमतुल्लिल आलमीन पूरी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जात अकदस वास्ते साडे चौधरी वारिस साहब दा ये प्रोग्राम करवाना पहले नंबर ते अल्लाह अपनी बारगाह कबूल कर ले आमीन। और तुसा अहबाब दी तशरीफ आवरी मेरी हाजरी और शायरे इस्लाम मौलाना मंजूर साहब शायरे तौहीदो सुन्नत मौलाना मनशा कादरी साहब और मौलाना अब्दुल वहाब सिद्दीकी साहब और दीगर रफाका और मेरे भतीजे भी बच्चे भी भाई इनामुल्ला आबद साहब और दीगर रफाका का बयान करना अल्लाह अपनी बारगाह कबूल करके क़यामत नूं ज़रिया निजात बनाए। अज दे इश्तिहार ते लिखिया है महफ़िल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर दे ज़िक्र दी महफ़िल है। और तुसी अहबाब भी आमिना दे लाल पूरी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दी जिक्र महफल दे महफल जिक्र दे अंदर तशरीफ ले आए हो नरम और गरम बिस्तरिया नू छड़ के अल्लाह ताला थोड़ा आना मामा बहना बेटियां दा आना अल्लाह कबूल फरमाए। जिसमें सूरत दिया आयात नू तलावत कीता है अलम नशरा अल्लाह का सदरक ववज़ाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनका ज़हरक वरफ़ाना अल्लाह का ज़िक्रक कि ऐ मेरे महबूब असी थोड़े जिक्र नू पूरी कायनात विचो बुलंद कर छड़े है। ये जदों सूरत नाजल हुई ना ते अल्लाह ने जिब्रील नू आसमान तो स्पेशल भेजिया कि जाओ मेरे महबूब नू पुछ के आओ थोड़ा जिक्र किन्ना कु बुलंद करा। नबी अली सलाम फरमांदे ने जिब्रील अल्लाह आलमु अल्लाह ज्यादा जानता है आलम जड़ा ना इसमें तफसील दा सीगा है अल्लाह सब तो ज्यादा जानता है उन्हें मेरा जिक्र किन्ना बुलंद करना है किवें बुलंद करना है। जिब्रील ने आन के अल्लाह नू क्या थोड़े महबूब ने फरमाया है कि अल्लाह सब तो ज्यादा जानता है। फरमाया जे मैं जानना फिर जिब्रील मेरे महबूब नू जाके कह दे इजा जुकिर तु जुकिर तमाई जिथे मेरा जिक्र होएगा उथे नाल महबूबा तेरा जिक्र भी होएगा जिथे मेरा जिक्र होएगा उथे तेरा जिक्र भी होएगा। इजा जुकिर तु जुकिर तमाई यानी कि थां थां नहीं जिथे तेरा ना नहीं। हुण वेखो ना नबी दा जिक्र कित्थों शुरू हो रहा है। पहले नंबर ते इंसान दुनिया ते आउंदा है पैदा होंदा है बच्चा खाओ बरेलवियां दे घारे देवबंदियां दे घारे अहले हदीसां दे घारे उहदे सज्जे कन्न च अजान दित्ती जांदी है देंदे हो ना बोलो बोलो अजान च पहले जिक्र कीदा है शहादु अल्लाह इलाहा ते दूजे नंबर ते शहादु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह वे दुनिया च आने वाले एक नू पूजना ही ते एक नू पुछना ही पूजन वास्ते रब्बे जुल जलाल काफी है ते पूछन वास्ते आमिना दा लाल काफी है। हस्तियां दो ही ने जिदी जिदी आवाज पई है कलमे दे जुज भी दो ही ने ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूलुल्लाह पूरे कलमे ते अल्लाह ने नुक्ता नहीं पाया ला नुक्ते तो खाली इला नुक्ते तो खाली इला नुक्ते तो खाली अल्लाह नुक्ते तो खाली मुहम्मद रसूल अल्लाह नुक्ते तो खाली पूरे कलमे ते ना ऊपर नुक्ता है ना नीचे नुक्ता है। ये दी वजह हिकमत की है कि रब नू अपनी शराकत ते मुस्तफा दी शराकत च एक नुक्ता गुवारा नहीं उन्हू ढाई मन दा शरीक किवें गुवारा होएगा। बोलिए जिस रब नू अपनी शराकत मुस्तफा दी शराकत च एक नुक्ता गुवारा नहीं
कलमा दसदा के अल्लाह ला शरीक है ते मुस्तफा भी ला शरीक है। सुभान अल्लाह। एक कलमा दसदा के रब दी जात अल्लाह अपनी जात बात सिफात दे लिहाज ना ला शरीक है ते मुहम्मद रसूलुल्लाह आका भी अपनी जात सिफात बात दे लिहाज ना ला शरीक ने। इस वास्ते एक नू पूजना है एक नू पूछना है। पूजन वास्ते अला कुल्ली शयिन कदीर काफी है। पूछन वास्ते सिराजे मुनीर काफी है। पूजन वास्ते मुख्तारे कुल काफी है। पूछन वास्ते इमामे कुल काफी है। पूजन वास्ते सुबहान रब्बी अल अजीम काफी है। पूछन वास्ते वा इन्नका लाला खुलुकिन अजीम काफी है। पूजन वास्ते रब्बुल आलमीन काफी है। पूछन वास्ते रहमतुल आलमीन काफी है। पूजन वास्ते गफूरुर रहीम काफी है। पूछन वास्ते रऊफुर रहीम काफी है। पूजन वास्ते पूरी कायनात दा खुदा काफी है। पूछन वास्ते पूरी दुनिया दा मुस्तफा काफी है। पूजन वास्ते मुश्किल कुशा काफी है। पूछन वास्ते रहनुमा काफी है। पूजन वास्ते दस्तगीर काफी है। पूछन वास्ते पूरी दुनिया दा पीर काफी है। पूजन वास्ते ओ काफी है जिदी खुदाई च कोई शरीक नहीं। पूछन वास्ते ओ काफी है जिदी मुस्तफाई च शरीक कोई नहीं। फरिश्ते कल्ला ए फरिश्ते कल्ला ये उन बच्चे दे कान च अजान हो गई है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह दो अस्तियां दा जिक्र होया तीजी विच वो बोलते छड़ो ना तीजा विच कोई नहीं क्योंकि अखां दो ने अखां दो ही ने ना जिन्हां दी दो ने जरा बोलो अखां कन हाथ पैर किताबा कुरान हदीस दो ने मक्का मदीना शहर भी हस्तियां भी दो ने तीजा रलिया नहीं तो चुगा गलिया नहीं असी भी दूं चो ही पैदा होए एक मां ते एक बाप चो तीजा को है ते रब ने जो जोड़ा जोड़ा जो बनाया तो तीसरा विच लियाउण दी की लोड़ है। समझ आउण डई जे कि अगली भी जान डई जे। तो इस वास्ते मेरे भाईओ ये बच्चा जो बोलन लगता है ना ते मां इहनूं की आंदी है पुत्तर पढ़ ला इलाहा ओ पढ़ांदे होगे नहीं बच्चियां नूं कलमा पढ़ाने आ ना। कई मावां उवें दीआं वी हुंदीआं ने बच्चे नूं आंदीआं ने कड डब्बे नूं गाल ओ जिन्हें बचपन च गालां कढ़ाणीआं ने वड्डिआं हो गए छितर ही खाणे ने। लेकिन बच्चे नू कलमा पढ़ाया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। बच्चे दी तोतली जी ज़बान च पहले जिक्र खुदा दा है ते बाद च जिक्र मुस्तफा दा है। जदों मुकब्बर तकबीर कहिंदा है नमाज वास्ते अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह मुकब्बर दी तकबीर दे अंदर पहले जिक्र खुदा दा है बाद च जिक्र मुस्तफा दा है। नमाजी नमाज पढ़ता है बच्चा नमाज याद करता है ते उत्थे नमाज च भी जिक्र पहले कीता है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। सुभान अल्लाह पहले जिक्र किया है कौली फेली माली इबादत अल्लाह तेरे वा असल दे अंदर ना थानू मैं गल सुनावा जिहड़ी अत्तहियात है। जो आका मिराज ते गए ने ना ते 70,000 पर्दा ते नबी अली सलाम ने जाके ना अल्लाह दे सामने अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अल्लाह जी कौली फेली माली इबादत अल्लाह थोड़े वास्ते। अल्लाह कहें महबूब जी तीन चीजा लैके आए हो तीन मेरे को भी लै जाओ अस्सलाम अलैका अय्युहन नबीयो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु सोनिया तेरे ते मेरी सलामती होए रहमता होन बरकता होन। अल्लाह 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 मेरे को तीन लै जा। मेरे आका फरमाते ने ऐ जे पीर जिन उम्मत का इन्ना दुख है उम्मत का इन्ना फिकर है सतवें आसमान ते भी जाके अपनी उम्मत नूं नहीं भुले आंदे ने अल्लाह जी मेरे कल्ले ते थोड़ी सलामती नहीं अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। अल्लाह मेरी उम्मत दे जिन्ने लोग नेक ने अल्लाह उन्हां ते भी तेरी सलामती होए। ये हुण मुकालमा उत्ते हो रहा है ते थले सिदरतुल मुंतहा ते जिबरील ने मुकालमा सुन के जिबरील आंदे ने अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना
ان محمدن عبدہ و رسولو ذرا غور کر جبریل دی گواہی چ پہلے ذکر خدا دا ہے بعد چ ذکر مصطفیٰ دا ہے عرشاں تو آواز آوندی ہے جبریل تو میرے محبوب دی تے میری مکالمے دی گواہی دتی ہے گواہ بنیا ہے میں تے مینوں تیری گواہی اینی پسند آئی ہے میں قیامت تک تیری گواہی نو وی اپنی نماز دا حصہ ہی بنا چھڑیا ہے ہن اگے نمازی کی آندا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نماز دے اندر درود پڑھیا جاندا ہے دعاواں پڑھیاں جاندیاں نے سلام پھر جاندا ہے یہی بچہ جوان ہوندا ہے جدوں اے دا نکاح پڑھایا جاندا ہے نکاح دے اندر جڑا خطیب ہے او کی آندا ہے وا اشھد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وا اشھد ان محمدن عبدہ و رسولہ نکاح دے خطبے دے اندر وی پہلے ذکر خدا دا ہے بعد چ ذکر مصطفیٰ دا ہے درود وی پڑھیا جاندا ہے پھر ذکر مصطفیٰ ہے بندہ دنیا تو فوت ہو گیا ہے اے دی میت اگے پئی ہے پہلی تکبیر امام صاحب نیت دے نے تے پڑھ دے نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین آئیے جنازے دی پہلی تکبیر تو بعد ذکر خدا دا ہے دوسری تکبیر ہوئی پڑھیا جاندا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی او جنازہ نہیں جدی اندر نبی تے درود نہیں او نماز نہیں جدی اندر نبی تے درود نہیں آئیے جنازے تو بعد میت نو قبر دے اتے کھڑیا جاندا ہے جدو میت نو ایسا لایا جاندا ہے لادی لایا جاندا ہے قبر دے اندر جدو قبر دے اندر لادی لایا جاندا ہے اللہ اللہ پھر کی پڑھ دیو ہوندی جے دعا جدو بولو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پھر بھی ذکر مصطفیٰ ہے جدو تینو مینو میت نو لانا ہے قبر دے اندر پھر بھی ذکر مصطفیٰ ہے لحد چڑھ کے اتے پھٹے جوڑ کے مٹی پا دیتی جاندی ہے آسمان تو فرشتے نازل ہوندے نے آن کے نو اٹھاندے نے آندے نے من ربو کا تیرا رب کیڑا ہے آندا ربی اللہ ما دینوں کا تیرا دین کیڑا آندا دینی الاسلام آندے نے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے ایک لکھ چوی ہزار کموں پہ شمبیا نے کسے نبی دا وی نام قبر چلائے گا جواب درست نہیں سمجھیا جائے گا پھر اے وی نہیں پوچھیا جاندا کہ من پیرو کا تیرا پیر کیڑا ہے کیڑے پیر دی تو بیعت کردا رہیا نا کسے پیر قبر چ کم نہیں جے آونا کسے فقیر نے قبر چ کم نہیں آونا اوتھے پوچھیا جاندا ہے من نبیو کا تیرا نبی کون ہے آندا نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتوں آواز آوندی ہے پھر اللہ آندے نے ان صدقہ عبدی میرے بندے نے سچ بولیا ہے فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وفتہو لہو بابن الالجنہ میرے بندے نے کیا میرے نبی محمد نے میرا دین اسلام ہے میرا رب اللہ ہے انہیں دی قبر دے اندر جنت دا بہترین بستر وشا دیو جنت دا لباس پہنا دیو جنت دا دروازہ دی قبر چ کھول دیو او میرے بھائیو اے جے ذکر مصطفیٰ ماں دی مہت تو لگ کے قبر دی لحد تک پہلے ذکر خدا دے بعد ذکر مصطفیٰ دے پھر مینو کہن دے ازا ذکر تو ذکر تمائی او سونیا جتھے میرا ذکر ہے اوتھے تیرا ذکر ہے او تھا تھا نہیں جتھے تیرا نا نہیں پھر کہہ دیو ازا ذکر تو ذکر تمائی جتھے میرا ذکر ہے اوتھے تیرا ذکر ہے فرمایا ربوبیت میری ہے ختم نبوت تیری ہے رب العالمین میں ہمارا رحمت للعالمین تسیو عبادت میری ہے امامت تیری ہے جہان میرا نظام تیرا ہے مخلوق میری ہے امت تیری ہے اے انسان میرے نے غلام تیرے نے میرے محبوبہ سر تیرا ہے در میرا ہے حرکت تیری ہے برکت میری ہے دعا تیری ہے عطا میری ہے حوض میرا ہے ساقی تسیو عابد تسیو معبود میں ہواں ساجد تسیو مسجود میں ہواں قرآن میرا ہے بیان تیرا ہے آسمان میرا ہے سیر گا تیری ہے جبریل میرا دربان تیرا ابو بکر میرا یار تیرا عمر میرا وزیر تیرا عثمان میرا مشیر تیرا علی میرا پہرے دار تیرا سونیا عائشہ میری ہے بیوی تیری ہے بلال میرا بانگا تیرا سونیا محبوبہ
कायनात दे अंदर सहाबी तेरे ने वली मेरे ने फैसला तेरे मर्जी मेरे रब्बे जुल जलाल दी है सोनिया जन्नत मेरी है सरदारी तेरी है वरफाना पुत्र भाई हो तुम किधर जान रहे हो भाई वरफाना बोलो 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 वरफाना लका जिक्र एजा जुकिर तू जुकिर तमाई ते मेरे बाबे ने इत कैमरा फिट किया आंदे ने अंदर वरफाना वादा कीता रहमान ने नाम तेरे दा कलमा ऐ पढ़ना ही जहान ने सब तो उच्चा शान पाया सुल्तान ने कर कर विच पहुंचिया वेखो नाम सरकार दा नामे मुहम्मद वाला उची कह दियो सल्लल्लाहो आका दा नाम आए दरूद उची पढ़ना सल्लल्लाहो अलैहि वाली वसल्लम आइए चार चौफेर पईयां सोने दिया तुमानी खुलक मठा सो शैद कर दिता तुमानी अल्लाह ले आवे मौका मैं कदम जा चुमानी हो जाए समसामी उते फजल गफार दा नामे मुहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम अल्लाह थानू सारे नू मक्के मदीने ले जाए जे नहीं इतबार चलो मक्के शरीफ नी जिस दा बानी नबी सुल्तान हनीफ नी हर हर मुल्को पहुंचन जवान ज़ईफ नी काले ते गोरे उथे कोई नहीं नतार दा नामे मुहम्मद वाला उच्चे खलो के जरा है मारो तयान नी है विचे जे फिर दे वेखो अरबी जवान नी गोरे नशो नाले रूमी पलवान नी शामिया दा रंग वेखो दलकां पे अमार दा नामे मुहम्मद वाला फिर कह दियो सल्लल्लाहु अलम नशराह लका सदरक ववजाना अनका विजरक अल्लजी अनका जजहरक वरफाना लका जिक्रक सुन जिक्र मुस्तफा पहला पारा जिक्र मुस्तफा है मेरे आका जे दुनिया ते आए नहीं ते नबी दा जिक्र हो रहा है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करदे ने बैतुल्ला पाया तकमील तक पहुंच गया है अरशा तो आवाज आउंदी है मेरे इब्राहिम मंगोए दिया मजदूरियां की मंगदे हो मंगण वाले खलीलुल्लाह ने आमीन कहण वाला इस्माइल ज़बीहुल्लाह जिथे मंगदे ने ओ बैतुल्लाह जो मंगदे ने ओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इब्राहिम दी दुआ दे अंदर जिक्र है अजे 50 साल पहले मेरे खलील ने दुआ की थी है केड़ी दुआ है रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम अल्लाह रसूल भेज दे जिड्डा वड्डा तेरा घर एडा वड्डा ही रसूल चाहिए नबी चाहिए खतीब चाहिए हुण इब्राहिम दी दुआ दे अंदर जिक्रे मुस्तफा पहला पारा जिक्रे मुस्तफा दूजा पारा जिक्रे मुस्तफा कद नरात तकल्लुब वजही कफी समाई फलनुवल्लियन्नक किबलतन तरज़हा मदीने दे अंदर मस्जिद किबला तय ने जगह दे पीर नमाज पढ़ा रहे ने मेरे पैगंबर दा बड़ा दिल करदा है अल्लाह बैतुल मुकद्दस वल मुंह करके नमाज पे पढ़दे ने मेरे नबी ने अपना वजूहा वाला चेहरा आसमान दी तरफ उठाया नमाज दे अंदर मेरे नबी दा चेहरा उठया ते अल्लाह ने किबला ही चेंज कर
ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਆਈਏ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰੇ ਚ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਮਾ ਅਰਸਲਨਾ ਫੀਕੁਮ ਰਸੂਲਮ ਮਿਨਕੁਮ ਯਤਲੂ ਅਲੈਕੁਮ ਆਯਾਤਿਨਾ ਵਾਯੂ ਜ਼ਕੀਕੁਮ ਵਾਯੂ ਅਲਿਮੁਕੁਮ ਅਲਕਿਤਾਬ ਵਲ ਹਿਕਮਾ ਵਾਯੂ ਅਲਿਮੁਕੁਮ ਮਾਲਮ ਤਕੂਨੂ ਤਾਲਮੂ ਮੇਰਿਆ ਮਹਿਬੂਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸਿਖਾ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ ਆ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾ ਇਜ਼ ਅਖਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਮੀਸਾਕਨ ਨਬੀਯੀਨ ਲਮਾ ਆਤੈਤੁਕੁਮ ਮਿਨ ਕਿਤਾਬਿਨ ਵ ਹਿਕਮਤਿਨ ਸੁਮਾ ਜਾਅਕੁਮ ਰਸੂਲੁਮ ਮੁਸੱਦਿਕੁਲ ਲਿਮਾ ਮਾਅਕੁਮ ਲਤੂਮਿਨੁਨ ਨਬੀ ਵਲਾ ਤਨਸੁਰੁਨ ਕਾਲਾ ਕਰਰਤੁਮ ਵਾਖਸਤੁਮ ਅਲਾ ਜ਼ਾਲਿਕੁਮ ਇਸਰੀ ਕਾਲੂ ਅਕਰਰਨਾ ਕਾਲਾ ਫਸ਼ਹਦੂ ਵਾਨ ਮਾਅਕੁਮ ਮਿਨ ਸ਼ਾਹਿਦੀਨ ਅਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਮੁਆਰਜ਼ੇ ਵਜੂਦ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੋਈ ਨਬੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਲਮੇ ਰਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਆਕਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਲਮੇ ਰਵਾ ਚ 1,24,000 ਅੰਬਿਆ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਵੇਖੋ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਸਤਫਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਮੁਆਰਜ਼ੇ ਵਜੂਦ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਜਲਵਾ ਘਰ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਾਫ ਕੁਨ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਅਜੇ ਪਈ ਲੀਆਂ ਸਨ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਜੇ ਤਰਜਮਾ ਉਹ ਬੋਲੋ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫ ਕੁਨ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਅਜੇ ਪਈ ਲੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਲੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਖਤਮ ਰਸਾਲਤਾਂ ਚ ਮਿੱਟੀ ਆਦਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਗੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਚੰਨ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਇਬਲ ਪੇਸ਼ ਗੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਲਿਆਓ ਤੇ ਸਹੀ ਜਿਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐ ਮੇਰੇ ਆਦਮ ਐ ਮੇਰੇ ਮੂਸਾ ਐ ਮੇਰੇ ਈਸਾ ਐ ਮੇਰੇ ਹੂਦ ਐ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਐਬ ਐ ਮੇਰੇ ਅੰਬਿਆ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜੀ ਅੱਲਾ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਲਾਹੇ ਨਬੂਅਤ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਸ਼ਰੀਅਤਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਸਹੀਫੇ ਦੇ ਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਬੂਅਤਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤਾਂ ਔਰ ਸਹੀਫਿਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਮਤਾਂ ਖਿਤਾਬਤਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਿਸਫ ਨਹਾਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਮਾ ਜਾਅਕੁਮ ਰਸੂਲ ਅਰਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਸੁਮਾ ਤਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਨੂਨ ਸਕੀਲਾ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਰਾ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਵਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀਓ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰਸੂਲ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਵਾਲਾ ਤਨ ਸੁਰੁਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀਓ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਬੂਵਤਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਹੀਫੇ ਇਮਾਮਤਾਂ ਖਿਤਾਬਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਬਿਆ ਤੇ ਰਸੂਲ ਨੇ 1,24,000 ਨਬੀ ਨੇ ਤੇ 315 ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਨੇ
अल्लाह इन्हां नूं मुखातब करके कह रहे ने लातो मैनुन्ना दा दूजा तर्जमा की है पता जे लातो मैनुन्ना भी ए मेरे नबियो कायनात थोड़ा कलमा पढ़े तुसा सारे ने मिलके मेरे मुस्तफा दा कलमा पढ़ना तीजा तर्जमा की है लातो मैनू नबी ए मेरे नबियो तुसी दुनिया दे इमाम बन के जा रहे हो ते जेड़ा आ रहा है वो थोड़ा इमाम बन के आ रहा है तुसी सारे ओ दे मुक्तदी बन के जा रहे हो किन्हां नूं किया जा रहा है हुण माशाल्लाह अकलमंद दना डेरेदार बंदे बैठे हो सारे परे पचायत दी गल है मेरे आका दे आन तो बाद आदम नबी दी नबूवत चल सकदी है बोलो उन्हां दे 10 सहीफे नाज़िल होए चल सकदे ने इब्राहिम दे 10 सहीफे नबूवत चल सकदी है बोलिया जे ना भावें कोई परचा ना हो जाए किते कोने वकील साहब बैठे ने जमानत करा लांगे परेशान ना हो बोलदे नहीं मेरे आका दे आन तो बाद नबी शीश दे 30 सहीफे नबूवत चल सकदी है नहीं अदरीस दे 30 सहीफे नबूवत चल सकदी है मूसा दी तौरात नबूवत चल सकदी है तौरात आसमानी किताबां ने अंजील ते ईसा दी नबूवत चल सकदी है बोलदे नहीं क्यों नहीं चल सकदी वजह इल्लत क्योंकि जेड़ा नबी दुनिया तो गया ना हजरत आदम दुनिया तो गए 10 सहीफे नबूवत नाल ही लै गए नबी मूसा दुनिया तो गए तौरात नबूवत नाल लै गए नबी शीश दुनिया तो गए 50 सहीफे नबूवत नाल लै गए नबी ईसा दुनिया तो गए अंजील दुनिया तो आसमान ते उठाए गए अपनी अंजील नबूवत नाल लै गए नबी दाऊद दुनिया तो गए जबूर नबूवत नाल लै गए इब्राहिम दुनिया तो गए 10 सहीफे नबूवत नाल लै गए नबी इदरीस दुनिया तो गए 30 सहीफे नबूवत नाल लै गए आमीना दा लाल दुनिया तो टुर गया आपकी नबूवत भी क्यामत तक आपकी शरीयत भी क्यामत तक है नारे तकबीर शाने मुस्तफा अजमत मुस्तफा मुकाम मुस्तफा खतीबे पाकिस्तान हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसरूड़ी साहब और मेरे आका दे आन तो बाद किसे नबी दी नबूवत शरीयत इमामत खिताबत नहीं चल सकती फिर किसी मौलवी का फतवा भी हूं ना बोलिया जी किसी मौलवी का फतवा चल सकता किसी मौलवी की शरीयत जो नबिया की नहीं चल सकती फिर मैं मौलवी की शरीयत किवें चलन दिया फिर मैं किसी का दीन कहो दीन मुकम्मल हो गया है ना नवा नबी आना क्यामत तक ना नवी शरीयत आनी है ना नवा कुरान आना है ना नवा दीन आना है आपका दीन भी आखिरी दीन आपकी शरीयत आखिरी शरीयत कुरान आखिरी किताब आपकी उम्मत आखिरी उम्मत आपकी नबूवत भी आखिरी हूँ क्यामत तक नवा नबी आ सकता तो गल की समझ आउन डई जे कि अगली मेरा एवं जोर लवाई जाते बोलो तो सही नहीं ना आ सक हाँ कुर्बे क्यामत एक नबी आएगा चेयरमैन साहब कुर्बे क्यामत एक नबी आएगा ओदा नाम की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क दे अंदर एक सफेद रंग का मीनारा बन चुके है ओदे ते हजरत ईसा का नजूल होना है फजर की अजान हो चुकी होगी नमाज ते फजर दी अजान ते फजर दी नमाज दे दरमियाने वक्त च हजरत ईसा दा नजूल होना है इमामे महदी मुसल्ले ते खड़े होंगे नमाज पढ़ाने वास्ते इमामे महदी दा असल नाम की है मुहम्मद बिन अब्दुल्ला जेड़ा साढ़े नबी दा नाम है ओ ही नाम होना है ते ओ ही वल्दियत होनी है मुसल्ले ते खड़े ने हजरत ईसा अलैहि सलाम ने फरिश्तियां दे परां ते अवें हथ रखे होंगे एक रवायत आती है उस मीनारे तो आसमान तक सीढ़ी लाई जाएगी सीढ़ी के जरिए हजरत ईसा उतरन गए या फरिश्तियां दे परां ते हाथ रखे होंगे हजरत ईसा दा उस मीनारे ते नजूल होएगा मोमिनीन सीढ़ी ला के ते हजरत ईसा नूं उतारन गए ते हजरत ईसा दे वालां चों पानी नुचर रहा होएगा ते अल्लाह 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 जर्द रंग दा लिबास पहनिया होएगा ते मोमिनीन वेखणगे हजरत इमामे महदी वेखणगे हजरत ईसा आ गए ने मुसल्ला छड़ के परां हो जाणगे कहणगे आ जाओ तुसी नबी हो अज नबी दी हदीस सच्ची हो गई है कि हजरत ईसा ने कुर्बे क़यामत आउणा आ गए ने आ जाओ तुसी नबी हो नमाज पढ़ाओ हजरत ईसा अलैहि सलाम कहिंदे ने नमाज तुसी पढ़ाओ अज मैं नमाज पढ़ाण नहीं आया तुहाडे मगर पढ़न आया क्यों अज मैं नबी बन के नहीं आया मुहम्मद दा उम्मती बन के आया वा हजरत ईसा नू अल्लाह ने ना कुरान हदीस सिखा के भेजना
हजरत ईसा ने अपनी अंजील ते अमल नहीं करना, 40 साल जिंदा रहना है, शादी करन दे औलाद होएगी, मौत अरब दे अंदर आएगी, जनाजा मस्जिद नबवी च होएगा, नबी दे रोजा रसूल दे अंदर जगह बाकी है जिथे हजरत ईसा अलैहि सलाम नु दफन कीता जाना है। ये सारिया गल्ला जबाने नबूवत ने दसिया ने आज तो 1500 साल पहले, जहान गलत हो सकता है, सोने मुहम्मद दी जबान गलत नहीं हो सकती। आइए जरा गौर कीजिए, तवज्जो, मैं जड़ी गल दसना चाहना, हजरत ईसा आउणगे की बन के आउणगे, उम्मती बन के आउणगे। हजरत मूसा अलैहिस सलातु वस्सलाम ते केड़ी किताब उतरी, तौरात। एक दिन ना हजरत उमर ने ना सिर्फ बाई दी वे तौरात दा वरका पिया सी, वरका पूरी किताब दी मैं गल नहीं करदा, अजकल तो कुरान हदीस के मुकाबले बड़िया बड़िया किताबा चुकी फिरते हैं ना, या मेरे मौलवी की किताब है, फलानी की फिका, फलाना फिका, ना ना, हजरत उमर ने आसमानी किताब का एक वर्का फड़िया, जिवें कि होटल से बैठे होइए ना, तो बाई दी वे कोई अपना अखबार का कोई पेज मिल जाए तो बंदा वे लैके पढ़न लग पैंदा, इस तरह हजरत ईसा ने उतराद का वर्का पे पढ़ लग पे, जगां दे पीर दी नज़र पई तो आका दा चेहरा गुस्से ना सुरख हो गया, एक वर्का है पूरी कि तौरात नहीं, नबी दी तबीयत ते गिरां गुजरे है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आंदे ने उमर तेरी मां तेनु गुम पाए, नबी दे चेहरे वल वेख, ते हजरत उमर ने वेख्या ते आंदे ने रजीना रब्बहु अबिल इस्लाम दीना वाबी मुहम्मदिन नबिया, सोनिया मैं अल्लाह दे रब होन ते थवाडे नबी होन ते इस्लाम दे दीन होन ते राज, वाबी मुहम्मदिन नबिया, जिहड़ा बंदा फजर तो बाद 3 दफा पढ़दा है, मगरब तो बाद 3 दफा पढ़दा है, ये रोजाना पढ़दा बिला नागा, का फरमाउंदे ने कियामत दा दिन होएगा ये बंदा जिहा औरत आएगी जिहड़ा बंदा एक कलमे 3 दफा पढ़दा है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बहु अबिल इस्लाम दीनन वाबी मुहम्मदिन नबिया, मैं उन्हूं बाजू तो फड़ के जन्नत च दाखिल कर देंगा। अल्लाह उमर ने, हजरत उमर ने गल कही थी, आका की फरमाते ने उमर ये ते तौरात है, साहबे तौरात मूसा भी आ जाए ना उन्हें भी आना है, नबी बन के नहीं आना, मुहम्मद दा उम्मती बन के आना ही, की बन के आना है, ते लौ काना मूसा हय्यन, अगर मूसा दोबारा जिंदा होके आ जाए, वतरक तो मुनी तुसी मैनू छड़ के मूसा दे दरवाजे ते चले जाओ, मैनू छड़ के मूसा दे पीछे लग जाओ, मैनू छड़ के मूसा दी गल मान लवो, लज़लल तुम उमर तुसी गुमराह हो जाओगे, की हो जाओगे, अगर नबी नु छड़ के, हुण जरा गौर करिया जे तवज्जो माशाल्लाह, अगर नबी नु छड़ के नबी दे पीछे जाओगे, अगर नबी दा दरवाजा छड़ के नबी दे दरवाजे ते जाओगे, अगर मेरी इत्तिबा छड़ के मूसा दी इत्तिबा करोगे, आका फरमांदे ने लज़लल तुम तुसी गुमराह हो जाओगे, अगर कुरान दी छड़ के तौरात नु फड़ोगे तुसी गुमराह हो जाओगे, ते हुण उम्मती नबी नु छड़ के उम्मती दे दरवाजे ते बंदा जाए, बोलो हुण की होया जे चुप्पी हो गए हो, जे नबी नू छड़ के नबी दे दरवाजे ते जाया जाए ते आका फरमांदे ने गुमराह हो जाओगे, ते अज नबी नू छड़ के उम्मती दे दरवाजे ते जाया जाए, तू किदी बैत है जी, मैं फलाने पीर दी बैत हां, तू किदी बैत है, मैं उहदी बैत हां, बैत दा की मसला है, मतलब पता जे वेचना, ओ यार जदों दुनिया ते आए सो ना तुहाडे सज्जे कन्न च जदों बांग हो गई बैत ते उदों ही हो गई सी, बोलते नहीं बैत तो हुण दूजी बैत करन दा की मकसद, इस्लाम च डबल बैत जायज नहीं, डबल बैत जायज नहीं, या दूजे दी बैत ता करी दी है, पहला पीर छोटा है ते जिहनूं हुण लगा वड्डा है, पहला पीर कुझ है जिहनूं हुण फड़ लगा सोहणा है, तू तो आवाज़ आउंदी है मेरे महबूब नूं छड्ड के क्यों लांबे जाना है, मैं उहदे नाल कायन रात दे अंदर उच्चा भी कोनी बनाया ते उहदे नाल सोहणा भी कोनी बनाया, यार सारे ही तुसी समझदार बंदे बैठे जे नबी ना सोहणा है ना कोई जान च ते फिर जाके उहदी उहदा लड़ फड़ लो, जे पैगंबर नालों उच्चा भी दुनिया च है ते फिर दूजे दा लड़ फड़ लो, वरफाना अल्लाह का जिक्र कैथे टक ला दे, जे नबी नालों उच्चा कोई नहीं, नबी नालों सोहणा कोई नहीं, फिर नबी दा दर छड़ के उम्मती दे दर ते क्यों जाना है, फिर क्यों कहीं मैं लभ के लिया कितों,
ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਛਡੋਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ ਨਾਲੇ ਲੱਭਣ ਟੁਰੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣਾ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾ ਹਸਨ ਮਿਨ ਕਲਮ ਤਰਕਤ ਤੋ ਆਈਨੀ ਵਾ ਅਜਮਲ ਮਿਨ ਕਲਮ ਤਲੀ ਦਿਨ ਨਿਸਾਉ ਖੁਲਿਕਤ ਮੁਬਰਰਾ ਮਿਨ ਕੁਲ ਐਬਿਨ ਕਾਨਕ ਕਦ ਖੁਲਿਕਤ ਕਮਾ ਤਸ਼ਾਉ ਹਸਾਨਾ ਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹਸਨ ਮਿਨ ਕਲਮ ਤਰਕਤ ਤੋ ਆਈ ਨੁਨ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅੱਖ ਨੇ ਵੀ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੱਸੋ ਬਈ ਵਾਜਮਾਲਾ ਮਿਨ ਕਮ ਤਲੀ ਦਿਨ ਨਿਸਾਉ ਹਸਾਨਾ ਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਜਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਲਿਕਤਾ ਮੁਬਰਰਾ ਮਿਨ ਕੁੱਲ ਆਈ ਬਿਨ ਹਰ ਐਬ ਤੋਂ ਹਰ ਕੱਜੀ ਤੋਂ ਮੁਬਰਰਾ ਮੁਨੱਜ਼ਾ ਮੁਤਾਹਿਰ ਅਤਹਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨਕ ਕਦ ਖੁਲਿਕਤਾ ਕਾ ਤਸ਼ਾਉ ਇਵੇਂ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਉੱਚੀ ਕਵੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਕੌਸਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਈ ਨਬੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦਈ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਤ ਦਈ ਉੱਚੀ ਕਵੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਜਹਾਨ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇਖੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਬਰੀਲ ਆਂਦਾ ਜਬਰੀਲ ਮੈਂ ਮਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਮਗਰਬ ਸ਼ਮਾਲ ਤੋਂ ਜਨੂਬ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਲ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਰੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਮਹਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਮੱਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਅੱਲ ਹੈ ਆਕਾ ਦਾ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਅੱਲ ਹੈ ਨਬੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਵੀ ਅੱਲ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹਾ ਨਗੀਨਾ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਲ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਬੀਬੀ ਉਮੇ ਸੁਲੈਮ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬੋਤਲ 'ਚ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਮੇ ਸੁਲੈਮ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੀਨਾ ਨਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮੇ ਮਕਤੂਮ ਨਬੀ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਿਹਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਿਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੂੰ ਨਬੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮੇ ਮਕਤੂਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਲੰਘੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਰੁਮਾਲ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਰੁਮਾਲ ਗੰਦਾ ਪੂਣਾ ਗੰਦਾ ਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਨਸ ਯਾਰ ਪੂਣਾ ਧੋ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਉੱਤੋਂ ਪੂਣਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਬਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਨਸ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਧੋ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਚੋਂ ਪੂਣਾ ਕੱਢਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਝਾੜ ਕੇ ਚੋ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਆਪ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨਸ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਫੜਾ ਪਸੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਸੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਅਸਲਾਮ ਨੇ ਪਸੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਨਬੀ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਮੈਲ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੱਪੜਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਪਸੀਨੇ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਨਬੀ ਦਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅੱਗ 'ਚ ਨਾ ਸੜੇ ਜੇ ਸਿਆਬੀ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਗਿਆ ਉਹ ਗਲੀ ਮਹਿਕ ਆ ਗਿਆ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਰੇ।
जगनू जगा गया सैयद कौनैन दाते जग उते छा गया मदनी दे लबाते कलाम रब दा बन के रसूल आया कुल जग दा ली होई कौम नू ओ सिद्धे राय पा गया जेड़े जेड़े आका दे ओ यार बन गए वो जन्नतां दे ओ को हकदार बन नू जिन्नू आ गया हजरत असान हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम ने गलियां ही दस देनियां नबी दे पसीने दी खुशबू किन्नी ते आज भी ते पीरां नू पसीना आउंदा है ना कि कटे नू सिंगाओ दो महीने होश ही नहीं आएगी बोलदे नहीं ये उतरे ना दे भी नहीं कई कई महीने इन्हां नू पीर मन्ना आना मैं लभ के लिया वा इना सफर मैं ता कीता मैं क्या ना सानू ते लोड़ कोई नहीं लभ के लियान दी मौला कमी छड़ी कोई नहीं सोने नू बनान दी साडियां ते लोड़ा थोड़ा मदनी मुका गया सैर समानो करके रातो रात आ गया ओए लोड़ नहीं सुरैन दिती उरा परा जान दी जग उते तुम पै गई नबी सुल्तान दी असी क्यों ले आईए कोई एडा सोना सानू विखाओ ते सही ओ कोई आउणा है बोलो तू अजे जफरी सुन तू अजे मेरा महबूब नहीं दिठा जिन्नू वेखिया चन शर्मावे जिओ जावे सैर करनू सारा फलक सजाया जावे जिओ रखे कदम जमी ते तरती खुश हो जावे वावा सोना हुसन माही दा जिदी चाल न चली जावे कोई एडा सोना ले आओ सानू विखाओ ते फिर वेखांगे साढ़े एक मौलना नूर हुसैन गरजाखी साहब आंदे बे सूरज सिर ते होए ते बंदा दीवा बाल के बह जाए बोलदे नहीं हुण हां सूरज तू सिर ते होए ते बंदा दोपहर नू दीवा बाल के छत दे उत्ते बह जाए नहीं मैं दीवा बालिया तुहानू लोग की कहणगे ओ बोलो ते सही ना हाँ इन्ना अरसलना का शाहिदं व मुबशिरं व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजं मुनीरा अल्लाह पाक ने अपने नबी नू सूरज बनाया है की बनाया सूरज हुंदियां जो दीवा बाले ते अहमक उसनू कहिए मुर्शद हुंदियां जो मुर्शद लबे ते उसदा नाम की लइए नक्श नबी विच डिठा ते नबियों निस्बत तोड़ी निस्बत तोड़ मदीने वल्लों गैरां दे नल जोड़ी वो समझ आउण डई जी अगली भी जान डई मेरे पैगंबर अलैहि सलातु वसलाम हुण मस्जिद अक्सा दी है तवज्जो फरमाया जे आका उत्थे हाजर भी ने नाजर भी ने जिंदा भी ने 1,24,000 बीमा वजूद जमा ने नमाज दा टाइम हुंदा है हजरत आदम कहिंदे ने मैं सफीउल्लाह वा अज जमात मैं करावांगा नूह आंदे ने मैं नजीउल्लाह वा जमात मैं करावांगा ईसा आंदे ने मैं रूहउल्लाह जमात मैं करावांगा इब्राहिम आंदे ने मैं कलीमउल्लाह इब्राहिम आंदे ने मैं खलीलउल्लाह
गल्लां जमात मैं करावांगा। मूसा आंदे ने मैं कलीमुल्ला मुसल्ले ते मैं ही खलोना है। जदों नमाज दा टाइम हुंदा है अल्लाह फरमांदे ने फमन तवल्ला बादा ज़ालिका फौलाइका हुमुल फासिकून। मेरे नबियो आलमे अरवा वाला वादा याद करो, अगर मेरे नबी दे हाजर नाजर जिंदा हुंदिया किसी नबी ने सोचिया भी मुसल्ले ते मैं खलोना है, मैं उन्हूं नबियां दी साफ चो कड के फासका च शामिल कर दियांगा। ये किन्ना नु किया जा रहा है ते हुण नबी हाजर भी होए नाजर भी होए जिंदा भी होए ते बंदा जमात आप कराई जाए बोलदे नहीं होना। अर्ज कीती जिबरील सोने नु जाके चलो आका रब दा पैगाम आ गया है, सुहारी लई दर पे बुराक आ गया है, वागा फड़न नू गुलाम आ गया है, जाक साच पहुंचे मुहम्मद प्यारे, खड़े सन नबी इन तजारी च सारे, ता जिबरील नबियां नू ऐलान कीता सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है। इमाम आजम कौन जनाबे? बोलो बोलो कौन जनाबे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। चौथा पारा जिक्र मुस्तफा, तीजा सी हुन चौथा आ गया है। लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वइन कानू मिन कबल लफी ज़लालिम मुबीन। मोमनो मैं थोड़े ते एहसान किया है, अल्लाह अखां दित्तियां नहीं बड़ा वड्डा एहसान है, पैर दिते नहीं हाथ दिते नहीं, पर मैं सारियां नेमता एक पलड़े च ते नेमते मुस्तफा एक पलड़े च, पूरी दुनिया दियां नेमता मिलके नेमते मुस्तफा दा मुकाबला बोलिया जना कर सकदियां ने? आ दूजियां भी नेमता सारियां कट्ठियां कर लो ते अल्लाह आंदे ने वज़कुरु नेमत अल्लाही अलैकुम इज कुंतुम आदान फअल्लफ बैन कुलूबिकुम फअसबहतुम बिनिमतिही इख्वाना। وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ। आका फरमाते ने तुसी जहन्नम दे किनारे ते खड़े सो, मैं आया मैं थानू पिछो गलमिया तो फर के इथों कालरा तो फर के खिच खिच के जहन्नम दे राह तो ला के मैं जन्नत दे राह ते चार दिता। तारियां दे बल दे नी चिराग तेरे वास्ते, फिर कह दियो तारे आंदे बल देनी चिराग तेरे वास्ते, मेवे आंदे पके होए बाग तेरे वास्ते, अंब तेरे वास्ते अनार तेरे वास्ते, केला हरी चाल दा तैयार तेरे वास्ते, रात दियां रानियां रवेल तेरे वास्ते, का उते पेंदिया तरेल तेरे वास्ते, मजी दुध देंदिया सफेद तेरे वास्ते, मक्खियां बनाउंदियां नी शहद तेरे वास्ते, पुजी होई मच्छी दी मेहमानी तेरे वास्ते, जन्नत विच रहन वाली सदा जवानी तेरे वास्ते, की नी कीता रब ने कबूल तेरे वास्ते, आमीना दा लाल जिया रसूल तेरे वास्ते। पारा पंजवां ते जिक्रे मुस्तफा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अमरी मिनकुम फइन तनाज़ातुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। पारा पंजवां फिर जिक्र है। फला व रब्बी कला यो मेनून
हत्ता युहक्किमु कफीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अन्फुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैता व युसल्लिमु तस्लीमा। सोनिया मिनू तेरे रब होने की कसम है, वह बंदा पक्का बेईमान ही जिन्हें तेरी गल नहीं मनी, तेरा फैसला नहीं मनिया। छेवें पारे च भी जिक्र मुस्तफा, यह आयत कदों नाज़िल हुई पता जे? 10 हिजरी 9 ज़ुलहज जुमे दा दिन ते मैदान अरफात दा ते नबी अली सलाम उठरी ते बैठ के ना खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमा रहे ने, कम अज कम 1.25 लाख ते 1.5 लाख सहाबा आप दे सामने ने, आसमान तो जिब्रील आयत लेके आए। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम मुकम्मल कर दिता है, नेमत नू पूरिया कर दिता है। ते जदों आयत नाजल हुई इधर मेरे वाल वेखा एक किताब तफसीर सही उल बुखारी है, आका ने अपनी उंगल आसमान की तरफ उठाई है, आंदे ने अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह जी तुसी गवाह बन जाओ, तुसी गवाह बन जाओ, तुसी गवाह बन जाओ। चौथी दफा सहाबा नू कहा तुसी अल्लाह गवाही का दी है, आका फरमाते ने अल्लाह जी गवाही थोड़ी है वे जिवें तुसा दीन मेरे ते नाजल कीता है, मैं मिन वा अन ओवें ही दीन सहाबा तक पहुँचा दिता है। मैं मुहम्मद ने वादा भी नहीं किया, घाटा भी नहीं किया। और यार जिस नबी दे कलबे अतर ते पूरा दीन उतरिया, वादा घाटा करन दी इजाजत रब ने उस नबी नू नहीं दिती, तां सानू किवें दे छड़ी है? बोलो भाई, जिधरों मर्जी दीन च जो मर्जी शामिल कर दईए, बाद च कहीए बीते हसना। हजरत इमाम मालिक रहिमाउल्लाह फरमाते ने जिन्हें इस्लाम च बिदत नूं इजाद कीता ना, फिर उन्हें क्या बीते हसना, असल के अंदर उहदा अकीदा है वे कि नबी ने माज़ अल्लाह साढ़े तक दीन पहुँचाने लग्या खयानत कीती है, पूरा तो असीं करन डए आ, पहलू दीन पूरा नहीं। माई का दुध चोना है, दुध के अंदर नहर का पानी मिलाओ खालस रहेगा? तुम तो इंज चुप हो जिमें रोध पाते हो, बोलो तो सही। मस्जिद दियाँ टूटियां तो पानी पाओ, दुध खालस रहेगा? डीयू मरिंडा पा दे फिर खालस है, जम जम का पानी पा दो फिर भी नहीं। बड़े पक्के हो यार तुम तो, जम जम का पानी तो सब तो उच्चा पानी है, मिलावट मिलावट की है, भावें जो मर्जी हो, भावें जमजम की हो, मिलावट जिनी भी पाक हो मिलावट ही है। दुध ओ ही खालस है जरा मझ दे थना चो डायरेक्ट निकलिया है, ते दीन ओ ही खालस है जरा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चो डायरेक्ट निकलिया है। खालिस छड़ के न खालस दे मगर फिरना है, एक कम नहीं बेशऊरियां दे, सुन्नत नबी पाक दी छड़ के फतवे मने पे अकनज कदूरियां दे, कोई खाए चान पूरा छन्ने परे हो छड़ के चूरियां दे, कोई पीवे पे खटियां लसियां दुध छड़ के मजा भूरियां दे। सिलसिला अंबिया दे अंदर साडे नबी दी जात आखरी है, इसे तरह लोको सुन लो मेरे पैगंबर दी बात भी आखरी है, जात भी आखरी ते उची बोलो बात भी आखरी। बात भी मुल गईब वला अकूलु लकुम इन्नी मलकुन, सोनिया कह दियो मैं आंदा ही नहीं मेरे को अल्लाह दे खजाने ने, मैं कहिंदा ही नहीं मैं इल्मे गैब जानना वा, मैं कहिंदा ही नहीं मैं नूरियां सूरत अल नाम आयत नंबर 50 घर जाके तर्जमे वाला कुरान लैके तर्जमा पढ़ के फिर लम्बे पे आ जाए, अगर मेरा तर्जमा गलत होए तो मैं इंशाल्लाह इस तो बाद स्टेज ते नहीं आवांगा। सूरत अल नाम सोनिया कह दे मेरे को अल्लाह दे खजाने नहीं, कह दे मैं इल्मे गैब नहीं जानता, कह दे मैं फरिश्ता नहीं, वला अकूलु लकुम इन्नी मलकुन इन अत्तबियु इल्ला मा यूहा इलैया कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर। सारे सुनाने अठवां पारा निकल आया जिक्रे मुस्तफा कुल इन सलाती
आलमीन सोनिया कह दे मेरी मेरी नमाज मेरी कुर्बानी मेरी जिंदगी ते मेरी मौत लिल्लाहे रब्बिल आलमीन अल्लाह वास्ते वे पारा नौवां निकलाया जिक्रे मुस्तफा कुल्ला अमली कुल नफसी नफ़ा वला जर्रा इल्ला माशा अल्लाह माशाल्लाह सूरत अल अराफ आयत नंबर 1 दा मालिक नहीं मगर जो अल्लाह चाहे हाय 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 अगर जो अल्लाह चाहे कुरान है कुरान में अपने कोलो गल नहीं कर रहा अल्लाह वलौ कुंतु आलमुल गैब लस्तकसरतु मिनल खैर वमा मसनी सु दुनिया दे लोगों में इल्मे गैब जानदा हुंदा मैं भलाइयां ही भलाइयां कठियां कर लैंदा मैनूं जिंदगी च दुख आउंदा ही कोई ना परेशानी आउंदी कोई ना नौवा पर है अल्लज़ीन यत्तबिउन रसूलन नबीयल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فيحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ما شاء الله دنیا دے لوگوں میرے آقا امی بن کے آئے تورات چاہوں دیا تم ماں برائی تو منع کرنا ہے نیکی दावत देना है हलाल खुआना है हराम तो परा करना है अब नो लोकां दे गुनाहां दे बोझ लाना है आइए पारा नौ है फिर जिक्रे मुस्तफा व इज यम कुरु बिकल्लजीन कफरु लियुसबितू का औ यक्तुलू का औ युखरिजू का व यम कुरून व यम कुरुल्ला वल्लाहु खैरुल माकिरीन अभी नौ पारा है मुशरिकी ने मकान दे अल्लाहुम्मा अम तेरा अलैना हिजारतम मिन समाई अवे तेना बे अजाब अलीम साडे ते पत्थरां दा मी पासी तेरे नबी नु नहीं मनदे वमा कान अल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम सोनिया मुशरिकी ने मक्का हरम दे बैतुल्ला मुकामे मुल्तजम ना चंबड़ के अजाब पत्थरां दा मंगदे ने मैं अजाब नहीं इन्हां ते नाज़िल करना क्यों जब तक तुहाडी जात मौजूद है सोनिया तेरी जात रहम जिथे रहमत हो उथे जहमत नहीं होंदी तो तीसरे पारे च तीन दफा जिक्र है हुण दसवां पारा आ गया नौवां पारे तो बाद दसवां पारा इल्ला तनसुरू फगद नसरहुल्ला इज अखरजहुल्लज़ीन कफरू सानिया हजन इन्नल्लाहा माना ओए गारे सौर दे अंदर दो कौन सन एक मेरा नबी दूजा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ओ बोलो लब ए ओ लाबे जड़ी जाबर दी हांडी जड़ी गई है 1300-1400 दा लश्कर खा गया है ना रोटी मुकी ते ना बोटी मुकी अली दिया अखां खराब ने खैबर च नबी ने उन्हां दिया अखां ते लाई अखां ठीक हो गया हजरत अली आंदे ने पूरी जिंदगी अखां कदी खराब होई ही नहीं सुभान अल्लाह मेरे नबी अलैहि सलातो वसलाम गारे सौर दे अंदर पहला कौन सी मेरे आका दूजा साहिबे और अबू बकर दी सहाबियत दा तज़किरा रब ने कुरान च कीता है सुभान अल्लाह कर यार सिद्दीक त्यारी साडी अज़लां तो ए यारी हिजरत दी मंजल बारी साडी अज़लां तो ए यारी मेरी हाजर आका जाने जिंद जान करा कुर्बाने मेरे वस विच नहीं इनकारी साडी अज़लां तो ए यारी ते गल बड़ी बाकमाल जे क्यों सुज गए पैर ने तेरे हैन किस लई कंधे मेरे तेरी बन जावा असवारी साडी अज़लां तो ए
यारी अल्लाह अल्लाह काला नाग डंग मैं की होया सोनिया काले ने यार हर मुश्किल सिर ते चासा मैं लगिया तोड़ निवास मैं सदके लख लख वारी साड़ी अजला तो है यारी अल्लाह अल्लाह मेरे पैगंबर दा जिक्र दसवें पारे दे अंदर यारवा पारा जिक्र मुस्तफा लकद जाकुम रसूल मिन अनफुसकुम अजीजुन अलैहि मा अनिदुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम कुरान दे तिया पारिया जाजी साहब कोई पारा ऐसा नहीं जिदे च नबी दा जिक्र आइए जरा गौर कीजिए तवज्जो मेरे वाल थोड़ा कसूर को नहीं असल दे विच तुसी होर भी नारे मारो मैं थोनू कुछ नहीं कहना है मैं कुरान सुनान दिया थोनू कुरान वारा नहीं खांदा पिया है ना मेरे भाई मैं कुरान सुना रहा और कुरान दा तर्जमा कर रहा कुरान दे अंदर शोर नहीं पाना चाहिए तुसी माशाल्लाह तशरीफ ले आए हो थोनू मैं मोस्ट वेलकम आना क्यों जी बोलते नहीं तुसी साडे भाई हो मेरा मकसद थोड़ी सलाह करना है कुरान सुनान दिया मैं कोई ना थानू हीर रांझा सुना रहा ना कि बुजुर्ग का किस्सा सुना रहा कुरान का जो तर्जमा कर रहा अगर तर्जमा गलत हो पूरी जिंदगी मैं स्टेज पर नहीं आवांगा लेकिन नबी का जिक्र कर रहे कुरान के विचों लोगों के कौल या इमामा के कौल नहीं जिक्र कर रहा तो हूँ कुरान सुन के सुभान अल्लाह कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए बोलो अजे मैं हदीस आले पासे नहीं आया भी हदीस भी पैगंबर का जिक्र है हदीस पाक के अंदर भी नबी का जिक्र है सुभान अल्लाह एवे जिक्र मुस्तफा बा जबाने खुदा तो इंशाल्लाह फिर कभी आया फिर मैं बयान करांगा जिक्र मुस्तफा बा जबाने मुस्तफा कि नबी अपनी जबान चो खुद अपनी शान अजमत बयान की जी मैं हदीस अगे पढ़ी हो सत चीजा ऐसा ने आका फरमाते ने जेडिया अल्लाह ने मैनू दितिया किसी नबी नु दितिया ही नहीं किसी नबी नु दितिया ही नहीं तिलकर रसूल फज़लना बाज़हुम अला बास सुभान अल्लज़ी असरा बे अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير سنو نبی دا ذکر 14 طبق میرے نبی دے قدماں تھلے میرا نبی 14 طبقاں تو اوتے سبحان اللہ نبی تو اوتے نبی دا خدا नबी तो थले खुदा तो थले उदा मुस्तफा बाकी सारी खुदाई नबी दे कदमा थले सुभान अल्लाह आखरी बात सुन लो मैं बात मुकावा अर्ज कीती जिबरी अल्लाह वल्लों जिबरील नू हुकम होया ऐसे वक्त जमीन दी तरफ दा जा आखी जाके ते मेरे महबूब नू तू साड़ी उल्फतां दा आके मुल पा जा नाले सत्ता आसमाना दी सैर कर जा नाले अपनी दस दसा जा साड़ी सुन सुना जा छेती जा जिबरील ना देर लावी लैके मेरे महबूब नू इंज आ जा जिबरील तू जानदा नहीं घड़ियां सखत हुंदियां ने इंतजार दियां दिल दे बाहर अंदर ठाठा मार उठिया अज उल्फता उस दिल दार दिया आ जिबरील वेखिया विच हुजरे आ हजूर आराम फरमा रहे ने अखा नींद विच ने जागदा दिल ए पर तार दिल दूर पुचा रहे ने ओए पैरा वल खलो के जिबरील सोना चल परां दी मार जगा रहे ने अदब नाल जगा के अरज कीती थानु बारी ताला बुला रहे ने
मलक सारे तक दे नी रा तेरा पूरा तालब ने सब दीदार दिया विच दरबार खुदा दे हो रही ने इंतजारियां आप सरकार दिया वही कोलो पैगाम सलाम सुन के आप रब दा शुक्र बजान लगे निकले हुजरियों बाहर अल हमद पढ़ दे नाल शौक दे वुजू फरमान लगे वुजू करके हजूर जब बाहर निकले शोले हुसन दे दूर तक जान लगे मिलके आरे अनूरियां अशकों क्या शान